गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज मनोज कुमार और हम आज विंटेज कैंपस से अपनी ऑनलाइन वीडियो शूट करने जा रहे हैं। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो उत्तराखंड और हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो और क्लर्क के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसी के लिए हमारा आपके लिए ये कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम इस सिलेबस को कंप्लीट कराएं और आप गवर्नमेंट सर्विस में जल्दी से जल्दी नौकरी पाएं। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम हिंदी के बारे में जानेंगे। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है और ये जो भाषा है ये आया कहाँ से? नाम भाषा बना है भाष धातु से। अगर हम भाष धातु की बात करें तो भाष मतलब होता है बोलना और धातु का मतलब क्रिया करना। इसका मतलब भाष धातु का मतलब हो गया बोलने की क्रिया करना। अगर हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ अ बोलने के लिए मुझे पता लगा कि पहले ध्वनि आएगी और ध्वनि के बाद पता लगेगा कि मुंह से कौन सा वर्ण निकला। इसका मतलब हिंदी वर्णमाला में ध्वनि सबसे छोटी या न्यूनतम इकाई है और इसे हम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है अ, तो अ बोलने के पहले मुख से ध्वनि निकलेगी और ध्वनि के बाद अ का उच्चारण होगा और उससे पता लगेगा कि मैंने बोला क्या। और इन्हीं वर्ण को मिलाकर बनता है अक्षर। चलिए आगे की बात देखते हैं। अगर हम अक्षर की बात करें, अक्षर में अ भी है, म भी है, रा भी है और म भी है। इसका मतलब ये हुआ जब हम दो अक्षर को मिलाएंगे तब जाकर एक शब्द का निर्माण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रा और म को मिलाता हूँ तो तभी जाकर राम का निर्माण होता है। राम क्या है? शब्द। और शब्द को हम पद के भी नाम से जानते हैं। राम शब्द को किस नाम से जानते? इसे पद के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं राम और खाना दोनों एक साथ जोड़ दूँ, इसका मतलब ये भी शब्द है और ये भी शब्द है और इन्हें पद के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या बना? ये बना पद बंध। और हम जानते हैं ये एक तरह का उपवाक्य भी है, लेकिन अगर मैं दो उपवाक्य ले लूं, जैसे राम खाना आगे खाता और है। मैं अगर दो उपवाक्य ले लूं, राम खाना खाता है, दो मैंने उपवाक्य ले लिए, तो मैं ये जानता हूं कि इसके बाद जो निर्माण होगा वो होगा निर्माण वाक्य का। वाक्य का निर्माण होगा, वाक्य क्या बना हमारा? वाक्य बना राम खाना खाता है। ये हमारा वाक्य बना। और इस चीज से हमने ये सीखा कि हिंदी भाषा की सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि या वर्ण है। और हिंदी वर्णमाला की सबसे बड़ी और सार्थक इकाई कौन सी है? वो वाक्य है। और हिंदी वर्णमाला में अगर वर्ण की बात करें, कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? 52 वर्णों का प्रयोग हुआ है और उन्हीं 52 वर्णों को आज हम सरल रूप से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण हैं। इन 52 वर्णों को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन से भाग हैं? एक है स्वर और एक है व्यंजन। सबसे पहले तो हम परिभाषा जानेंगे कि स्वर की परिभाषा होती क्या है। स्वर का मतलब है वह सभी वर्ण जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं बोलता हूँ अ, क्या मुझे दूसरे किसी वर्ण की मदद लेनी पड़ी? नहीं। समझ नहीं आया, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ म, इसमें देखेंगे थोड़ा। अगर मैं बात करूँ म की,
माँ को बोलने के लिए मुझे अ की मदद लेनी पड़ी, लेनी पड़ी ना। जैसे माँ, लास्ट में क्या आया, अ आया। इसका मतलब ये स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर की परिभाषा ये कहती है कि वह सभी वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। जैसे अ, अ को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ अ क्या है, स्वर है। और अब जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। चलिए देखते हैं स्वर। ये आपके सभी स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। चलिए पहले इन्हें बोलना सीखते हैं, किस तरह इनका उच्चारण होता है। अगर इसकी बात करें, अ ध्वनि नहीं खिंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अ है उसका उच्चारण एक ही बार हुआ है। लेकिन अगर हम आ की बात करें, ध्वनि खिंची है आ, इसका मतलब ध्वनि खिंची है तो इसका उच्चारण एक से अधिक बार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये अ और अ से मिलकर बना है, तभी तो आ ध्वनि खिंची। लेकिन अगर हम ई की बात करें, ई में ध्वनि नहीं खिंचती है, इसका उच्चारण एक बार होगा। लेकिन बड़े ई की बात करें, ई इसका मतलब ध्वनि खिंची, और ध्वनि खिंची है तो ये भी दो से मिलकर बना है। लेकिन अगर उ की बात करें, ओ की ध्वनि खिंचती नहीं है। जबकि बड़े ऊ की अगर हम बात करें तो बड़े ऊ में ध्वनि खिंचती है, और ध्वनि खिंचेगी तो इसका मतलब इसका निर्माण भी दो से मिलकर हुआ है। अब बात करते हैं री। री की अगर बात करें, री में भी ध्वनि नहीं खिंचती है, इसका मतलब इसका निर्माण भी एक से मिलकर हुआ है। आगे चलते हैं, पहले तो इन्हें बोलना सीखते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं। इसे कहते हैं ऐ। इसका मतलब ये किससे मिलकर बना है, ये अ और ई से मिलकर बना है, इसे कहते हैं ऐ। और इसे कहते हैं ऐ, ये अ और ऐ से मिलकर बना है, ऐ। इसे कहा जाता है औ, इसका निर्माण अ और उ से मिलकर बना है। इसे कहा जाता है औ, इसका निर्माण अ और ओ से हुआ है। ये आपके 11 स्वर है। अगर हम इनकी बात करें तो हम इसमें देख रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं जिनको बोलने में वर्ण नहीं खिंचता या ध्वनि ज़्यादा खींचनी नहीं पड़ती, लेकिन किसी को बोलने में ध्वनि को खींचने की आवश्यकता पड़ी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि स्वर को हम तीन तरह से बांट कर चलते हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहले की बात करें लघु, दीर्घ, प्लुत। और मैं आपको ये कह दूं कि इसे उच्चारण करने के लिए एक बार बोलना पड़ेगा, इसे उच्चारण करने के लिए दो बार बोलना पड़ेगा, इसे उच्चारण करने के लिए तीन बार बोलना पड़ेगा। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि लघु में कौन कौन से होंगे जिनका उच्चारण सिर्फ एक बार हुआ है, आप देखिए खुद। हमने देखा जो हमने ये 11 वर्ण लिखे हैं, कुछ तो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें उच्चारण करने के लिए ध्वनि को खींचना नहीं पड़ा, जैसे अ, ई, उ और री। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिन्हें उच्चारण करने के लिए ध्वनि को खींचना पड़ा और उनका उच्चारण दो बार हुआ, जैसे आ, ई, उ, ऐ, ए, ओ और औ की बात करते हैं। और अब आपको ये कह दूं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनमें लघु स्वर वे होंगे जिनका उच्चारण सिर्फ एक बार हुआ है। इसका मतलब इसमें कौन कौन आने चाहिए, इसमें अ, ई, उ और री, ये आने चाहिए, क्योंकि उच्चारण एक बार हुआ है। अगर मैं बात कर दूं, दीर्घ की बात करूं, इसमें कौन से आने चाहिए, इसमें वे आने चाहिए जिनका उच्चारण दो बार हुआ है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से आएंगे, आ, ई, उ, ऐ, ऐ, औ और ये आएंगे आपके दीर्घ में। पहचानना बिल्कुल ही आसान था, लेकिन इसका क्या करें, इनमें तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसका उच्चारण तीन बार हुआ है। चलिए देखते हैं, जब आप पुस्तक में
देखते होंगे तो आपको इस प्रकार कुछ लिखा हुआ मिलता होगा, मिलता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इस ओ का उच्चारण 3 बार हुआ है और ओ क्या है, स्वर है। तो इससे हमने ये जाना जब स्वर का 3 बार उच्चारण होता है उसे ही हम पलुत्स्वर के नाम से जानते हैं। और अगर हम देखें ये कितने स्वर हैं, 7। अगर हम देखें ये कितने स्वर हैं, 4। और ये कितने स्वर हैं, 7। तो किल कितने स्वर हुए, 7 + 4 = 11। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं, 2 प्रश्न निकलते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न ये कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर होते हैं कुल 11। ठीक, 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला, स्वर की संख्या कितनी, 11। और कुल स्वर की संख्या कितनी, कुल स्वर होते हैं 13। ये 2 कहाँ से आ गए, चलिए उन्हें भी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा मूल स्वर 11 थे। कौन कौन से स्वर थे 11? ये आपके 11 स्वर थे, इन्हें ही मूल स्वर भी कहा जाता है। पर अगर कुल स्वर की बात हो जाए तो कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर हैं आपके 13। अब ये 2 कहां से आए वो भी देखते हैं। इसी के अंदर हम स्वर के अंदर पढ़ते हैं अयोगवः। अगर हम अयोगवः की बात करें, अयोगवः भी 3 तरह से होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है अनुनासिक, दूसरा है अनुस्वार और तीसरा है विसर्ग। सबसे पहले हम अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं उसकी ध्वनि नाक और मुख दोनों से आती है। जैसे आपने कहीं पर भी चंद्र बिंदु लिखा हुआ देखा होगा, इसका मतलब ये कि यह है अनुनासिक स्वर है जिसकी ध्वनि मुख और नाक दोनों के जरिए आती है। लेकिन अगर अनुस्वार की बात करें, अनुस्वार ये कहता है कि इसकी ध्वनि नाक से ज़्यादा आएगी और मुख से कम आएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ चंद, चंद में देखने को मिला कि नाक पे ज़्यादा जोर होता है इसलिए इसमें चंद्र बिंदु जाना सिर्फ बिंदु लगाई जाती है। जबकि विसर्ग की अगर बात करें, विसर्ग में ध्वनि मुख द्वारा ही प्रोड्यूस होती है, नाक से इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अह, पूरा ही मुख से ध्वनि आई है। और हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा मूल स्वर कितने थे, 11। जबकि अगर हम अनुस्वार और विसर्ग को भी जोड़ दें तो स्वर हो गए 13। यहाँ से हमारे पास 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये कि स्वर की संख्या कितनी, मूल स्वर कितने, तो मूल स्वर है आपके 11। जबकि अगर कुल स्वर की बात करें तो इसमें हमने अयोगवः के अंदर अनुस्वार और विसर्ग जोड़ दिया, अब स्वर हो गए कितने, 13। दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसके अंदर थोड़ा और देखते हैं। अब बात करते हैं इनके उच्चारण की, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो उन्हें बोलने के बाद भी हमें ये लगता है कि कुछ की ध्वनि गले से आ रही है, कुछ की ध्वनि गले से ऊपर से आ रही है। उनके बारे में जानते हैं, जानने से पहले समझते हैं थोड़ी बातें। सबसे पहले बात करते हैं कंठ। कंठ का मतलब होता है हमारा गला। ठीक, जब किसी भी ध्वनि को बोलते समय हमें ये प्रतीत हो कि गले पर जोर पड़ रहा है बोलते वक्त, तो वह सभी ध्वनि किस में आएंगी, कंठ में आएंगी। दूसरा, तालु या तालव।
इसका मतलब ये हुआ जब किसी भी ध्वनि को बोलते समय गले पर जोर ना पड़े। लेकिन ये तो पता है कि ध्वनि आ तो रही गले से है पर गले पर जोर नहीं पड़ रहा, उसे कहा जाता है तालु। तीसरा, मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं और बोलते वक्त हमें ये प्रतीत हो कि जो जीभ है आपकी वो ऊपर लग रही है, तो उसे ही कहा जाता है मूर्धन्य। दंतक। दंतक से हमें ये पता लगता है कि जब हमारे वर्ण को बोलते समय हमारी जो जीभ है दांतों को स्पर्श करती है, उन सभी वर्ण को कहा जाता है दंतक। पांचवा, ओष्टक। ओष्टक के बारे में हम ये जानते हैं जब किसी भी वर्ण को बोलते समय हमारे होठ आकृति बना ले गोल, तो उन्हें कहा जाता है ओष्टक। और इन्हें बोलने के ये तरीके हैं। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा कमेंट करिए, और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जल्द ही हमारी एक ऐप आने वाली है विंटेज कैंपस के नाम से, और उस पर हमारी सभी ऑनलाइन वीडियो आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।